क्या साइंस कभी इतनी तरक्की कर पाएगा कि मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर सके, या कभी उनको ना मरने वाला अमर बना दे? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की एक कंपनी इस पर काम भी कर रही है, लेकिन क्या यह कभी पॉसिबल हो पाएगा? डेली फैक्ट सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक्सपर्ट्स को काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले 50 से 60 सालों में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वह मरे हुए इंसानों को जिंदा कर लेगी या फिर अमर बना देगी। स्कॉट्सडेल एरिजोना में एल्कोर नाम की एक कंपनी का हेड ऑफिस है, जहां पर स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद है और 33 पालतू जानवरों को भी यहां रखा गया है इस उम्मीद में कि वो दोबारा जिंदा हो पाएंगे। अगर वाकई में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर पाई तो इन्हें जिंदा किया जा सकेगा और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मूवीज और टाइम मशीन्स में होता है। इन कंटेनर्स में इतनी ठंडक होती है जितनी अंटार्कटिका में भी नहीं होती है। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे इन कंटेनर्स का टेम्परेचर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ कुछ लोगों ने बस अपने दिमाग को भी फ्रीज करवाए हैं, जिनमें उनकी मेमोरीज और डेटा सेव हैं। ऐसा कहा गया है कि जब इन्हें जिंदा किया जाएगा तो इनका बस अपना दिमाग होगा, बाकी बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। हर कंटेनर्स के बाहर इनकी फ़ोटो भी लगाई गई है ताकि इनकी फैमिली इन्हें देख सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।